हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंपाइलर। कंपाइलर फर्स्ट लेक्चर। तो व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है हम पहले ये समझेंगे, फिर इंटरप्रेटर क्या होता है एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इनके डिफरेंस इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के, उसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, कंपाइलर विद। आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं इससे, आपने नोट डाउन करेंगे तो आपके एक नोट्स अच्छे बन सकते हैं। कंपाइलर एक कंप्यूटर, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम that transform the source code written in the programming language into another computer language as target language, often having a binary form known as object code. Compiler क्या करता है, source code को उठाता है programming language जो हम लोग लिखते हैं, कोई भी programming language हो सकती है, Java, Python, HTML, जो भी हो, ठीक है। और इसको ये क्या convert करता है, computer language में convert करता है, मतलब कि machine language में, जिसको कहते हैं टारगेट, मतलब असेंबली लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में, जीरो एंड वन, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ठीक है। जो बाइनरी फॉर्म की जो चीज़ें होती हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। दिस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कंपाइलर इज रिपोर्ट एनी एरर इन द सोर्स प्रोग्राम दैट इज डायरेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ओके। मतलब कि कंपाइलर में क्या होता है, जब एरर आता है तो क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम को डायरेक्टली वो क्या करता है, रिपोर्ट कर देता है। और ये तुम्हारी ये सब चीज़ें कब होती हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब बीच में होती है उसकी। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ना, तो इसको देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। एंड इंटरप्रेटर रीड द सोर्स कोड एंड इंस्ट्रक्शन और लाइन एट द टाइम कन्वर्ट द लाइन इंटू द मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेड। मतलब लाइन बाई लाइन चीज़ें लेती हैं, उसी लाइन को तुरंत एग्जीक्यूट कर देती हैं मशीन कोड में, ओके, देन एग्जीक्यूट कर देती हूँ उस चीज़ को। मतलब कि आप क्वेश्चन आप कुछ लिखते जाओगे तुरंत एरर देते जाएगा, इंटरप्रेटर के साथ ये है। और इससे क्या रहेगा कि हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम से पहले पता जाएगा एरर क्या होता है, एरर क्या है, टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं इंटरप्रेटर से। और ये ऐसे कि HTML की हम बात कर ली है, ठीक है, HTML की आप कोई कोडिंग कोड लिखते हो तो अगर लास्ट के लाइन में एरर आता है तो वो पूरा एग्जीक्यूट करके देता है, हैं। और जो फिर बाद में आप सही कर लेते हो, कुछ एरर दिखाता नहीं है उसमें, लेकिन आपको खुद चेक करना पड़ता है इंटरप्रेटर में, तो ये चीज़ का कुछ बेनिफिट भी आता है इंटरप्रेटर का। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज द compilation required analysis and generation of machine code only once. जो कंपाइलर का क्या है मेन डिफरेंस, ये है कि ये जो कंपाइलर क्या होता है, ये एनालिसिस और जनरेट करता है मशीन कोड बस एक बार, मतलब कि वो पूरा एक बार पूरा पढ़ेगा, उसके बाद एनालिसिस करेगा, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, सिर्फ एक बार, मतलब तो एक बार में ही सब कर देगा। मतलब तो इसका मतलब नहीं कि एक ही बार करेगा, अब जितने बार कंपाइल करोगे उतने बार आएगा, ठीक है। मतलब वो एक साथ करता है, कहने का मतलब यही है, मतलब पूरा काम कर लिया आपने, लिख लिया कोड, उसके बाद वो एक बार रन का बटन दबाओगे तो क्या होगा, वो पूरा एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, मतलब वहाँ से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद और एरर ढूंढने की कोशिश करेगा। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर में आप देख जानते हैं कि वो लिखते रहेंगे आप कोड को, वहाँ भी एरर बता दे, जैसे जावा में क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम जैसे स्मॉल लेटर में लिख दिया तो उसमें कहेगा एरर है, उसको कैपिटल लेटर में करो तब एरर हटाएंगे। तो ये क्या होता है, एंड वो लाइन बाय लाइन करते जाता है, ठीक है। एंड इंटरप्रेटर नीड्स टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द सेम प्रोग्राम स्टेटमेंट ईच टाइम इट मीट टू देम। मतलब जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तभी ये क्या करता है, एनालिसिस और इंटरप्रेट करते जाता है। इंटरप्रेटर अपेयरिंग विद इन लूप के फॉर्म में होता रहता है, ओके। जैसे कि आगे आपने गलत लिख दिया तो फिर आगे मतलब लिखा है नीचे उसको सपोज किया कि लूप लगा के आपने, मतलब आपने कुछ ऐसा लिखा है जिसको नीचे सपोज किया कि वो चीज़ आगे आनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हुई तो फिर वो लूप के थ्रू ऊपर पहुंच जाएगा कि हाँ ऊपर एरर है, ओके। डिफरेंस फिर देख लीजिए, एक और डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस ये है, द कंपाइलर कन्वर्ट द हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज व्हाइल द इंटरप्रेटर कन्वर्ट द हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू इंटरमीडिएट। ये डिफरेंस और भी है कि कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, डायरेक्टली इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब इसी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता रहता है, वो पहले बना लेता है, मतलब एग्जीक्यूट करता रहता है टाइम, मतलब उसकी एरर्स बताते रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, जबकि कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। बिफोर एग्जीक्यूशन इंटायर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर
आफ्टर द ट्रांसलेशन फर्स्ट लाइन द इंटरप्रेटर गेट एग्जीक्यूटेड एंड सो ऑन. हाँ, इंटायर प्रोग्राम एक साथ हो जाता है एग्जीक्यूट कंपाइलर में, और लाइन बाय लाइन इसमें होता है, इंटरप्रेटर में होता है, और कोई भी एरर आई तो लाइन वो इंटरप्रेटर क्या होता है वहीं रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, लेकिन कंपाइलर नहीं होता है, कंपाइलर एक साथ पूरा करके देता है. चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तीसरा डिफरेंस. द लिस्ट ऑफ एरर इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस. कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद ही हम एरर देख सकते हैं, उससे पहले हम नहीं देख सकते कि कहाँ पे एरर है, वो शो नहीं करेगा. वेल द इंटरप्रेटेड स्टॉप द ट्रांसलेशन आफ्टर द फर्स्ट एरर. कोई भी एरर आएगा वो तुरंत टोक देगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आगे आगे इंटरप्रेट नहीं करेगा. फिर आप जब उसको सही कर लोगे तब आपके आपके इंटरप्रेट करते हुए आएगा, ठीक है. एंड फिर आप देखो ये डिफरेंस देख लेते हैं. इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटिव फाइल इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर, जिसे हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं. ओके, वेयर द इंटरप्रेटर रिक्वायर बाय इंटरप्रेट प्रोग्राम ईच टाइम. जबकि ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है, ये क्या करता है इंटरप्रेट करता रहता है प्रोग्राम को हर एक टाइम पे. ऑब्जेक्ट फाइल वो बनाता है जो डायरेक्टली पूरा ट्रांसलेट करके दे देता है. देख लीजिए, कंपाइलर प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, इसके पास ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होती, ये भी एक डिफरेंस हो गया. अब हम देख लेते हैं ये सारे सारे डिफरेंस हो गए. अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है जरा हम ये देख लेते हैं. सोर्स प्रोग्राम मे बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल स्टोर इन द सेपरेट फाइल एंड टास्क कलेक्टिंग द सोर्स प्रोग्राम इज समटाइम्स इंटरेस्टेड टू सेपरेट द प्रोग्राम्स कॉल्ड प्रोसेस. मतलब कि जो क्या होता है सोर्स प्रोग्राम आप जो डालते हैं, सोर्स प्रोग्राम जैसे आप प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो डिवाइड होता है मॉड्यूल्स फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में एक सेपरेट फाइल में, ठीक. द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द सोर्स प्रोग्राम समटाइम्स सेपरेट इंटरेस्टेड टू सेपरेट द प्रोग्राम कॉल प्री प्रोसेसर. ये क्या करता है, सारे सोर्स कोड को जो कलेक्ट करता है उसे हम प्री प्रोसेस करते हैं. प्री प्रोसेसर इज ऑल्सो एक्सपेंड शॉर्ट हैंड कॉल माइक्रोज, मतलब इसके माइक्रोज होते हैं. प्री प्रोसेस के अंदर माइक्रोज इंक्लूड स्टूडियो डॉट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं प्री प्रोसेसिंग होती हैं इन टू द सोर्स लैंग्वेज सिस्टम. सोर्स लैंग्वेज सिस्टम में द मॉडिफायर सोर्स प्रोग्राम इज फेडेड टू द कंपाइलर. द कंपाइलर में प्रोड्यूस एन असेंबली लैंग्वेज. क्या होता है सोर्स प्रोग्राम जो होता है डाला जाता है कंपाइलर के अंदर, कंपाइलर प्रोड्यूस करता है असेंबली लैंग्वेज, एंड वो जो असेंबली लैंग्वेज आती है, ठीक है, एज ए इट आउटपुट बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज ईजी टू प्रोड्यूस द आउटपुट एंड ईजी टू डिबग. क्योंकि असेंबली लैंग्वेज क्यों होता है, मतलब मेनली इसका मतलब है कि कंपाइलर क्या करता है असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसका ओन बेनिफिट ये है कि वो ईजिली आउटपुट दे देता है और ईजिली डिबग होता है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग दूसरा चीज, ठीक है. असेंबली लैंग्वेज इज द प्रोसेस बाई प्रोग्राम कॉल असेंबलर. असेंबली लैंग्वेज प्रोसेस होती है असेंबलर के थ्रू, उसका खुद का एक चीज होता है दैट प्रोड्यूस द रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज कोड. मतलब उसके बाद क्या होता है मशीन, तो पहले टारगेट कंपाइलर क्या करता है कंपाइल करके मतलब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के थ्रू क्या करता है रीलोकेटेबल मशीन कोड के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है आउटपुट, ठीक है. और फिर जब रीलोकेशन आउटपुट क्या होता है उसमें फिर लिंकर लोडर भी होता है, ठीक है. उसमें जब लिंकर की यूज होता है लिंकर अभी मैं एक डायग्राम दिखा कर उसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से. लिंकर रिजॉल्व द एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेस. लिंकर क्या करता है रिजॉल्व करता है एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेस जो लिंक करता है जितने भी एक्सटर्नल एड्रेस होते हैं वे द कोड इन वन फाइल मे बी रिफर टू लोकेशन ऑफ अदर फाइल. मतलब एक फाइल जो दूसरी फाइल को रिफर कर रही है उसको लिंक करने की कोशिश करता है लिंकर. लोडर का क्या काम होता है द लोडर दैट पुट ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव फाइल इन टू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. ये क्या करता है सारे भी ऑब्जेक्ट फाइल को जितनी भी जरूरत होती है प्रोग्राम के अंदर अंदर जिसको मैंने कॉल कराया है बाहर से उसको क्या करता है लोड कर देता है मेमोरी के अंदर. इसका मेन काम यही होता है, ठीक है. अब हम ये देखिए डायग्राम. मैंने यही बोला था कि पहले क्या करता प्री प्रोसेसर जो क्या करता है सोर्स प्रोग्राम को क्या कर रहा था तोड़ तोड़ के रख रहा था, फिर उसको सोर्स प्रोग्राम को कलेक्ट करके अपने पास जो रख रहा था जिसे माइक्रोस कहते हैं स्टूडियो डॉट कहते हैं. ये सारी चीज़ें क्या हो रही प्रोसेसर हो गई सो लाता है. फिर कंपाइलर क्या करता है सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है. ये कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है. फिर उसके बाद हम आता है
कंपाइल करके क्या करता है, टारगेट मशीन असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब टारगेट असेंबली प्रोग्राम में, ठीक है। फिर असेंबली क्या करता है, असेंबलर के थ्रू रिलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसमें हम लिंकर लोडर भी होते हैं। लिंकर क्या करता है, लिंक करता है एक फाइल जो दूसरे से लिंक होती है, और लोडर क्या करता है, लोड करता है जो भी फाइल, जो भी एग्जीक्यूटर फाइल्स जो होती हैं, जो एग्जीक्यूट होने वाली रहती हैं प्रोग्राम के अंदर, वो लोड करता है। और फिर हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मशीन कोड मुझे मिल जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलर, अब स्ट्रक्चर क्या होता है जरा हम ये जान लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर, अप टू दिस पॉइंट वी हैव ट्रीटेड ट्रीटेड अ कंपाइलर एज अ सिंगल बॉक्स दैट मैप अ सोर्स प्रोग्राम into the symmetry correlation target program. If we open the box in the little, we can see there is a two part of mapping, analysis and synthesis. मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसको पूरा मत समझिए, ये ऐसे कहने समझाने का तरीका है ये, कि अगर हम देखते हैं कि मतलब कंपाइलर को अगर एक बंद बॉक्स के फॉर्म देखते हैं तो कुछ हमको दिखता नहीं है, हमें एक आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको खोलते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, जो क्या होती है, दो पार्ट मिलती हैं, वो क्या है, एनालिसिस पार्ट, मतलब हमें जहाँ एकदम अंदर बेसिक एकदम अंदर घुस के जाते हैं, मतलब उसको अच्छे से पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, मतलब हम लोग जब कंपाइलर को एकदम अच्छे से समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है कंपाइलर में, तो दो पार्ट आ जाते हैं, एक एनालिसिस पार्ट आ जाता है, एक सिंथेसिस पार्ट आ जाता है। अब ये एनालिसिस पार्ट क्या होता है, सिंथेसिस पार्ट क्या होता है, जरा इसको जान लेते हैं। एनालिसिस पार्ट वो पार्ट होता है ब्रेक, ये क्या करता है, एनालिसिस ब्रेक अप सोर्स प्रोग्राम इनटू द पीसेस एंड इम्पोज अ ग्रामर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को पीस में कन्वर्ट करता है, पीस मतलब छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, और उसके ग्रामर स्ट्रक्चर को चेक करता है, ठीक। क्रिएट क्रिएट एंड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन IR, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम, ये सोर्स प्रोग्राम का इंटरमीडिएट पोर्शन, मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होता है सोर्स प्रोग्राम का, क्रिएट करता है। डिटरमाइन द ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड देम इन स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स ट्री, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेशन जितने भी उसको डिटरमाइन करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और रिकॉर्ड करता है स्ट्रक्चर में और सिंटेक्स ट्री में, उसको हम फ्रंट एंड कंपाइलर भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एनालिसिस पार्ट वो होता है जिसमें हम क्या ग्रामर चेक कर सकते हैं, पहले लाइन का यही मतलब था, ग्रामर चेक कर सकते हैं, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन करता है उसका ट्री फॉर्म में, जिसको फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है पहले, उसके बाद उसमें चेक करता है एरर तो नहीं है, रिकॉर्ड ऑपरेशन देखता है कि इसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है उस फॉर्म में, ठीक है। फिर वो चेक करता है कि इसमें एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो काम होती हैं जो फ्रंट एंड होती हैं, इसे हम कह इसको हम इसीलिए फ्रंट एंड कंपाइलर कहते हैं। अब सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस जो होता है, कंस्ट्रक्ट द टारगेट प्रोग्राम फ्रॉम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या करता है, टारगेट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है फ्रॉम इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से टारगेट में चला जाता है, मतलब क्या हो रहा था वहाँ पे, सोर्स प्रोग्राम को इंटरमीडिएट फॉर्म में क्रिएट कर रहा था एनालिसिस वाला, और सिंथेसिस क्या कर रहा था, उसके आगे प्रोसेस को क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। टेक द ट्री ट्री स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेट द ऑपरेशन इन टू द टारगेट प्रोग्राम, ये ट्री स्ट्रक्चर को लेता है और ट्रांसलेट कर देता है ऑपरेशन में कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनटू द टारगेट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम के अंदर, ओके। इसे हम बैकएंड ऑफ कंपाइलर कहते हैं, मतलब इसको हम बैकएंड इसलिए करें क्योंकि हम इसके बैकएंड को चीज़ देख नहीं पाते हैं, और फ्रंट एंड इसलिए हो रहा था क्योंकि फ्रंट एंड जो हमारे सामने जो दिख जाता है हमको कंपाइलेशन के थ्रू मिल जाता है जो चीज़, बैकएंड इसलिए क्योंकि ये बैक फॉर्म में बैक साइड होता रहता है इसके टास्क, इसलिए ये बैकएंड हो गया। इसका काम बस, इसका डिफरेंस बस यही है कि एनालिसिस जो था वो फ्रंट एंड होता है, ये बैक एंड होता है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि ये ग्रामर रिप्रेजेंटेशन चेक करता है और ये सब चीज़ चेक करता है, पर ये नहीं करता है, ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है ऑपरेशन, टारगेट देखता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ट्री फॉर्म में जो स्ट्रक्चर रहता है उसको, उसके ऑपरेशन को ज़्यादा फोकस करता है, फिर उसके टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, इसको सोर्स प्रोग्राम से इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है, लेकिन एनालिसिस पार्ट क्या करता है, ये क्या करता है, इंटरमीडिएट
उठाता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन उठा के वो टारगेट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है. ओके, दैट फॉर ऑल इतना काफ़ी था. थैंक यू एवरीवन, दिस इज फॉर टुडे. Thank you.